कहा जाता है कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोअर माल कैंपस की, ये लाला मेला राम जो कि एक हिंदू थे उन्होंने डोनेट की थी ये प्लेस इस कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो तब सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज था लाहौर के लिए। बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वालों की मोहब्बत अपनी जगह बिल्कुल मौजूद रही है, जिसमें मुस्लिम हिंदू सिख प्रोमिनेंट रहे। और लोअर माल कैंपस जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का जो एक क्लस्टर है कैंपसेस का, उसकी सबसे पुरानी बिल्डिंग है जो कि सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से इस्टेब्लिश हुई 1880s में। और ये उस वक्त हजूरी बाग में इसका पहला जो इनिशियल सेटअप था वो डेवलप हुआ। सो उसके बाद ये जब ज़मीन मिली लाला मेला राम की तरफ से तो इसको यहाँ पे इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। लाला मेला राम के अलावा गंगा राम और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसकी तरफ बहुत यानी लाहौर को खातिर ख्वा नवाजा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, हॉस्पिटल्स बनाए, पब्लिक प्लेसेस बनाई, पार्क्स बनाए। इवन ये नासिर बाग जो गवर्नमेंट कॉलेज के पास है वो भी उसी का एक हिस्सा है। तो आज हम आपको इस मैग्निफिशेंट बिल्डिंग की सैर कराने जा रहे हैं जहाँ से बेशुमार लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की, बेशुमार लोगों ने बीएड, एमएड, बीटी, एमटी और उसके बाद दीगर कोर्सेज किए। सो सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से ये मशहूर हुआ और 2002 में इसे यूनिवर्सिटी बनाया गया और तब ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन बन गया। सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज जब ये था तब इस वक्त दुनिया में ट्रेनिंग का नाम था जो बाद में कन्वर्ट होके एजुकेशन ने रिप्लेस कर लिया। तो ये सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज से कॉलेज ऑफ एजुकेशन बन गया। ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं आप ये अब सड़क के उस पार है जो किसी ज़माने में इसी कैंपस का, इसी सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज का एक हिस्सा हुआ करता था। ना सिर्फ ये बल्कि एक सेंट्रल मॉडल स्कूल जो उसके साथ इस्टेब्लिश्ड है वो भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। वहाँ जो टीचर्स ट्रेनर्स होते थे यहाँ पे वो बाद में अपनी टीचिंग प्रैक्टिस वहाँ पे करते थे। अब सेंट्रल मॉडल स्कूल एक अलग एंटिटी के नाम से, एक अलग एंटिटी की हैसियत से जाना जाता है। चलें इसकी बिल्डिंग को अंदर से देखते हैं। ये अब इस बिल्डिंग को हम एक और पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं जिसमें आपको इसका ये लश ग्राउंड नज़र आ रहा है। और ये बिल्डिंग हमेशा से वेजिटेशन के हवाले से बहुत मशहूर रही। ये है सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज जो कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इसमें बिजनेस स्टडीज़, साइंस सब्जेक्ट्स, आर्ट सब्जेक्ट्स, फाइन आर्ट्स, एमए इंग्लिश, एमफिल इंग्लिश, पीएचडी इंग्लिश भी यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर आपको आम बिल्डिंग्स में नज़र नहीं आता, ये सिर्फ पुराने ज़माने की जो बिल्डिंग्स हैं और स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स प्रिजर्व की जा रही हैं ये स्ट्रक्चर सिर्फ उन तक। ये कॉरिडोर्स हैं इसके एंड यू कैन सी कितने पीसफुल
कॉरिडोर्स। इन कॉरिडोर्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ बैठ के आपको गर्मी की हिद्दत का एहसास नहीं होता। ये हम अंदरूनी कॉरिडोर में आए हैं और ये भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये बहुत ही यूनिक और पुराना प्रिजर्व किया गया स्ट्रक्चर है। सो इन कमरों में बेशुमार तुलबा पढ़ के गए जो इस वक्त पाकिस्तान में बेशुमार ऊंची ऊंची सीट्स पे अपने फ़राइज सर अंजाम दे रहे हैं, और तदरीस से वाबस्ता तो बेशुमार अवाम है जो कि इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के गई। ये यूनिवर्सिटी उनका अल्मा मैटर है। अभी हम इसकी सेंट्रल लाइब्रेरी के पास हैं। And you can look at the grace of the building. ऐसे structures आपको कहीं नहीं मिलते, ये नायाब structures हैं जो कि यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। अब आपको ये corridor दिखाते हैं। आप वेंटिलेशन देखें, रोशनी देखें, इस वक्त यहाँ पे लाइट्स नहीं ऑन, लेकिन कुदरती तौर पे इस जगह को रोशन किया गया। ये मैं आपको बिल्डिंग ऊपर से दिखा रहा हूँ, और ये आपके सामने सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज है, और जिसके साथ ये वाबस्ता दरख्तों के पार, दीवार के पार, ये सेंट्रल मॉडल स्कूल है जो कभी इसी का एक तदरीसी सेंटर हुआ करता था, जहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिस और इस जैसे अमूर तय पाते थे। ये फर्दर ऊंचाई पे आ गए हम। आप देख सकते हैं कि उस जमाने में एक एक चीज पे कितनी मेहनत की जाती थी। आपको और ऊपर ले चलते हैं। पीछे आपको बुलंदोबाला दाता साहब के मीनार नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो शोर है वो इसलिए है कि ये मेन कचहरी रोड है, ज़िला कचहरी के बिल्कुल सामने ये यूनिवर्सिटी मौजूद है। यहाँ पे व्यू देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत व्यू है और कितनी रोशन जगह है, कितनी वेंटिलेटेड प्लेस है। सेम इस केस विद हियर, ये ट्रेडिशनल टावर्स हैं, ये सिर्फ प्रिजर्व्ड बिल्डिंग्स, म्यूजियम या ओल्ड स्ट्रक्चर्स में आपको मिलेंगे। जो हजरात यहाँ पे पढ़ चुके हैं उस बिल्डिंग को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि इसका चप्पा चप्पा जानते हैं। तो ये जो लॉन है ये बहुत फेमस लॉन है इस बिल्डिंग का, जहाँ पे सर्दियों में बहुत रौनक होती है।
इस यूनिवर्सिटी के पुराने से पुराना स्टूडेंट भी जब इस दरबार के बारे में पूछता है तो वो इसके साहिब कब्र के बारे में ला इल्म होता है। लेकिन यहाँ पे ये मज़ार हैं जो कि बड़े पुराने हैं। इवन यहाँ पे जो बहुत बूढ़े सिख आए एक मरतबा विज़िट करने, उन्होंने बताया कि जब वो बचपन में यहाँ पढ़ते थे तो ये कब्रें तब भी मौजूद थीं। ये उसके पीछे ही एक और मज़ार है जहाँ पे कुछ कब्रें अभी भी मौजूद हैं। इनको प्रॉपरली कवर कर दिया गया है और अकीदतमंद अभी भी इस जगह पे आते हैं, दिए जलाते हैं, इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं। जहाँ तक यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में कदीम रवायात को सामने रखा गया, वहाँ पे इसमें कुछ जिद्दत भी पैदा की गई। आपके सामने जो बिल्डिंग है ये हाल ही में यहाँ पे बनी। और ये टीचर अकोमोडेशन है जहाँ पे टीचर्स रहते हैं। ये उसके साथ प्रिंसिपल अकोमोडेशन है। ये ओल्ड जिमनेजियम है। यहाँ पे ये जो खाली जगह है जहाँ पे शेड है और उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे एक स्विमिंग पूल हुआ करता था जो कि जगह की अदम दस्तयाबी की वजह से उसे डिमोलिश कर दिया गया। ये कैफ़े है और ये यूनिवर्सिटी का बैक एग्ज़िट गेट है जो कि रेटिगन रोड पे खुलता है। ये मैनेजमेंट साइंसेज है, मैनेजमेंट साइंसेज की बिल्डिंग है जो नई बनी। इसके अलावा इन चंद एक स्ट्रक्चर्स के अलावा बाकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पुराने मेयार पे हैं, पुराने बिल्डिंग के तौर पे, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग जो इंजीनियरिंग है वो सारी उस दौर की अभी तक चल रही है। ये टीचर अकोमोडेशन जहाँ पे टीचर्स जो के शहर से बाहर जिनकी रिहाइश है उनको यहाँ पे रिहाइश दी गई। ये कैफेटेरिया और ये इसके साथ गर्ल्स हॉस्टल। ये गर्ल्स हॉस्टल भी दोबारा से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। ये जिमनेजियम है जो कि बहुत पुराना और एक कदीम टाइम का एक शाहकार अभी तक प्रिजर्व है। और इसके अहाते में बिल्डिंग्स, पार्क, and here you can have the magnificence of the university. Let's see what lies inside. So this is a court and students sometimes tend to play here. And that is the equipment for your bodybuilding where students come for healthy activities. This is the roof structure and you can see how massive it is. So this is a smash. A match is going on in here. So ye buses wapas aa chuki hain aur inhone students ko drop kiya. They go all through the Lahore aur ye students ko pick and drop karti hain. They are luxury buses aur isme students ke jo
एजुकेशनल टूर्स हैं वो भी प्लान होते हैं। सो नाउ आई एम टेकिंग यू टू सम ग्लिम्पसेस ऑफ द सेंटर मॉडल स्कूल, दो वी आर नॉट परमिटेड इनसाइड, एनक्लोज्ड एरिया है, लेकिन आई विल ट्राई टू शो यू मैक्सिमम। सो दिस इज द बिल्डिंग ऑफ सेंटर मॉडल स्कूल। ये वो बिल्डिंग है जिसका मैं आपको कह रहा था ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का एक हिस्सा हुआ करता था। नाउ इट इज़ अ सेपरेट एंटिटी। सो स्ट्रक्चर उसका वही है जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का है, स्ट्रक्चर्ड इन द सेम वे, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट बिल्डिंग्स है जिसमें बहुत ज़्यादा टॉप क्लास, टॉप नॉच पीपल, पॉलिटिशियन, एक्टर्स, क्रिकेटर्स और बहुत अच्छे अच्छे उदों पर सर्व करने वाले लोग यहाँ से पढ़ के गए। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोअर मॉल कैंपस का वो एरिया जो सेंट्रल मॉडल स्कूल के बिल्कुल साथ है। जो बड़ा सा हिस्सा है ये हॉल है जहाँ पे फंक्शंस वगैरह हुआ करते हैं। इसके साथ जो है ये वुमेन्स कॉमन रूम है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये इसी का हिस्सा था जो कि अब सेंट्रल मॉडल स्कूल को दे दिया गया है। सो यहाँ पे सेंट्रल मॉडल स्कूल है जो कि कभी इसी का एक हिस्सा होता था जहाँ पे लोग टीचिंग प्रैक्टिस करते थे। सो अब ये एक आइसोलेटेड और एक सेमी ऑटोनमस बॉडी के तौर पे जानी जाती है जगह। जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है दिस इज द ओनली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इन लाहौर दैट इज ऑफरिंग एमफिल एंड पीएचडी इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन परज्यूइंग देयर स्टडीज इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, सो दिस इज द ओनली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप आ सकते हैं और अपने ख्वाबों को अमली जामा पहना सकते हैं। सो आई होप कि ये आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा अबाउट अ वेरी फेमस पब्लिक सेक्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। स्टे ट्यून्ड, इट वॉज जहांज़ेब जहां विद यू, जज़ाकअल्लाह। Thank you.